साथियों नमस्कार कैसे हैं आप लोग स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर साथियों अभी हम इसके पहले की क्लासेस में आयोग को पढ़ते आ रहे हैं हम एम पी पी एग्जामिनेशन के क्रैश कोर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसी तारतम्य में आप हमारे साथ यूनिट टेन पढ़ रहे हैं जिसमें बहुत सारे कमीशन के बारे में बहुत सारे आयोग के बारे में चर्चा की गई है उसी तारतम्य में उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय सूचना तथा सतर्कता आयोग केंद्रीय सूचना और सतर्कता आयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों जो हमारा ये क्रैश कोर्स है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं तो आप वहां जाएं और आपका समस्त सिलेबस जो एम प्रारंभिक परीक्षा का है वो एग्जाम के पहले पहले आपको कवर कराया जाएगा आप हमसे जुड़ें कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की टीम के साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं देखते हैं तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे केंद्रीय सूचना आयोग फिर मध्य प्रदेश का भी सूचना आयोग के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम साथ में क्या पढ़ेंगे सतर्कता आयोग केंद्रीय सतर्कता आयोग और मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर कोई भी फैक्ट होगा तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो आइए हम शुरू शुरू करते करते हैं, करते हैं हैं। पढ़ना और देखते सूचना आयोग सूचना आयोग एक प्रकार का निकाय है। सूचना आयोग कैसा निकाय है तो सूचना आयोग सांविधिक निकाय है और जब सांविधिक निकाय है तो आप जानते हैं कि से किसी ना किसी अधिनियम किसी ना किसी एक्ट के द्वारा लाया गया होगा तो इसका सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा इसका गठन किया गया सूचना आयोग का और इस प्रकार से ये एक प्रकार का सांविधिक निकाय है अब आप समझें कि इसका उद्देश्य क्या है सूचना के अधिकार का जो गठन हुआ आयोग का गठन हुआ उसका आखिरकार उद्देश्य क्या रहा तो उद्देश्य इसका रहा शासन प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता व जवाबदेही तय करना शासन प्रशासन चाहे वो केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो उनमें पारदर्शिता हो उनमें ट्रांसपेरेंसी हो और उनकी जवाबदेहीता बढ़ाना ये सूचना अधिकार आयोग का एक गठन करने का उद्देश्य रहा है अब ये काम कैसे करता है सूचना आयोग कैसे ही संस्था है तो सूचना आयोग केंद्र स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत काम करता है केंद्र स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग है और राज्य के स्तर पर राज्य सूचना आयोग गठित किया गया है आइए आगे देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग अधिकार अधिनियम 2005 की धारा सेक्शन 12 के तहत सेक्शन 12 के तहत गठन किया गया किसका केंद्रीय सूचना आयोग का और अब हम देखें कि इसकी नोडल एजेंसी के बारे में अगर बात करें तो कार्मिक एवं प्रशासन मंत्रालय जो भारत सरकार का है वो इसके नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है अगर संरचना की बात करें कि इस आयोग की संरचना कैसी है तो इस आयोग की संरचना बहुसदस्यीय निकाय है और बहुसदस्यीय निकाय से ऐसे आप जानते हैं कि इसमें एक से अधिक लोग काम करते हैं इसमें एक से अधिक सदस्य होते हैं मतलब एक प्रकार का ये बहुसदस्यीय निकाय है अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि अगर ये बहुसदस्यीय निकाय है तो इसमें कितने लोग होते हैं कौन अध्यक्ष होता है कौन सदस्य होते हैं इन सब के बारे में इनकी नियुक्ति कौन करता है आगे देखते हैं एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे अधिकतम दस सूचना आयुक्त वर्तमान में इसकी इनकी जो संख्या है अंध सूचना आयुक्तों की वो छह है लेकिन अधिकतम ये दस हो सकते हैं इसी प्रकार इनमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और कुल मिला के ये एक प्रकार का बहुसदस्यीय निकाय है केंद्रीय सूचना आयोग अब हम आगे बढ़ते हैं नियुक्ति की बात करें कि इन जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं और जो साथ में अन्य सूचना आयुक्तों का प्रावधान है इनकी आखिर नियुक्ति कौन करता है तो इनकी नियुक्ति करने का काम कौन करता है हमारे माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं हमारे ऑनरेबल राष्ट्रपति जी करते हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति की सिफारिश पर होती है राष्ट्रपति जी तो नियुक्ति करते हैं लेकिन वो कैसे करते हैं वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है एक कमेटी गठित होती है और वो जो, जो सिफारिश करती है उसके तहत नियुक्ति करने का काम हमारे राष्ट्रपति जी का है तो समिति में कौन कौन लोग होते हैं समिति में कौन कौन लोग होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं और हमने बात करी ही कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ऐसा होता है तो अध्यक्ष कौन होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी और सदस्य के रूप में कौन होंगे लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री हमारे जो समिति गठित होगी इनके नियुक्ति के लिए उसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी होंगे और सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री इसका सदस्य होता है अब हम हाँ आगे बढ़ते हैं आगे चर्चा करते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में आयोग का अध्यक्ष कौन बनेगा आयोग के अध्यक्षों बनने के लिए क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में अगर बात करें तो आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्ति जिन्हें सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त ज्ञान हो पर्याप्त अनुभव हो सार्वजनिक जीवन में साथ में कानून विज्ञान प्रौद्योगिकी समाज सेवा प्रबंधन पत्रकारिता जनसंचार प्रशासन इन सभी के मामले में क्या हो अनुभवी हो इनमें कार्य कर चुका हो या इन सब के बारे में ज्ञान रखता हो शपथ ये अपने पद ग्रहण करने से पहले शपथ भी लेते हैं कौन चाहे वो मुख्य सूचना आयुक्त हो चाहे अन्य आयुक्त हो तो ये शपथ किसके सामने लेगी शपथ का प्रावधान भी है अगर आप किसी जिम्मेदार पद पर बैठते हैं तो शपथ लेते हैं जैसे शपथ का प्रावधान हमारे संविधान में भी है आप देखते होंगे कि चाहे हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हों राष्ट्रपति जी हों चाहे हमारे यहाँ परिषद के सदस्य हों मंत्रिमंडल के सदस्य हों ये सभी किसी ना किसी के सामने शपथ ग्रहण करते हैं उसी प्रकार जो अन्य आ, आ, सूचना आयुक्त हैं और मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो शपथ किसके सामने ग्रहण करते हैं तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तो ये माननीय राष्ट्रपति जी के सामने शपथ ग्रहण करेंगे या राष्ट्रपति जी जिस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे वो इनको शपथ ग्रहण कराने का काम करते हैं शर्तें क्या हैं मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त संसद या राज्य या संघ प्रदेश के विधान मंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए ना ही जो सूचना आयुक्त बनेंगे मुख्य सूचना आयुक्त बनेंगे वो ना ही संसद के सदस्य हों ना ही किसी विधानमंडल के सदस्य हों ना ही किसी संघ शासित प्रदेश के विधान मंडल के सदस्य होने चाहिए किसी लाभ के पद पर नियुक्त या राजनीतिक दल या व्यवसायी को सूचना आयुक्त नहीं बनाया जाएगा अगर हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें वो भी किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए मतलब वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए या वो किसी भी ऐसे व्यवसायी भी नहीं होना चाहिए जो लाभ का पद हो जो और सूचना आयुक्त तो नहीं सूचना आयुक्त तो नहीं अब हम आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं कार्यकाल और सेवा शर्तों के बारे में बात करें इनका कार्यकाल क्या होता है इनकी सेवा शर्तें क्या होती हैं अगर हम वो देखें उसके बारे में चर्चा करें तो हम पाते हैं कि इनका कार्यकाल तीन वर्ष या पैसठ वर्ष जो भी पहले हो जाए और ये कब निर्धारित किया गया तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम आया था 2005 में उसी में संशोधन सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम आया 2019 में और उसमें ऐसा प्रावधान करा और इस प्रावधान करने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है केंद्र सरकार इसको निर्धारित करने का काम करती है अब हम आगे देखते हैं वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे आप याद रखें चाहे अन्य सूचना आयुक्त हो चाहे मुख्य सूचना आयुक्त होंगे ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे इनको दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता इसी प्रकार यदि किसी अन्य सूचना आयुक्त को जो हमने बात करी कि इस संरचना में आयोग की संरचना में अन्य दस सूचना आयुक्त हो सकते हैं जिनकी संख्या वर्तमान में छह होगी हमने ऐसा पढ़ा अगर उनमें से अन्य सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उनका कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक का नहीं होगा दोनों को मिलाकर अगर कोई व्यक्ति अन्य सूचना आयुक्त है और वो फिर बाद में मुख्य सूचना आयुक्त बनता है तो इन दोनों का कार्यकाल मिलाकर के उसका पाँच वर्ष से अधिक का कार्यकाल नहीं होगा इसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा हटाने की परिस्थितियाँ ये तो हमने देखा इनके कार्यकाल के बारे में अगर हटाने की नौमत आती है अगर लगता है कि इनको हटाया जाना चाहिए तो राष्ट्रपति जी किन कारणों के तहत किन प्रावधानों के तहत इनको हटा सकते हैं तो दिवालिया हो जाना और दिवालिया हो जाना से आशय ये है कि किसी आप निगम या किसी व्यक्ति से ऐसे आर्थिक सहायता लिए है आपने किसी से ऐसे आर्थिक रूप से मदद ली है पैसे का लेन देन किया है और आपको किसी सक्षम न्यायालय ने दिवालिया घोषित कर दिया हो तो राष्ट्रपति जी आपको हटा सकते हैं मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त को हटा सकते हैं लाभ का पद धारण कर लिया हो आप इस पद पर नियुक्त रहते रहते या अध्यक्ष या जो अन्य सूचना आयुक्त हैं इस पद पर रहते रहते किसी कहीं बाहर किसी संस्थान में या किसी सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर लिया हो तब इनको हटाया जा सकता है उसी प्रकार शारीरिक या मानसिक अक्षमता शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमजोर हो गए हो उस काम के लिए जिस प, पद के लिए जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया गया है यदि आप उसको करने के लिए सक्षम नहीं है तो भी राष्ट्रपति जी द्वारा हटाया जा सकता है पद का गलत उपयोग किया गया हो आप पद पर रहते हुए अगर पद का दुरुपयोग किया जाता है और ऐसा राष्ट्रपति जी को प्रतीत होता है तो भी राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं चाहे वो मुख्य सूचना आयुक्त हो चाहे अनुसूचना आयुक्त या क्षमता के आधार पर भी राष्ट्रपति हटा सकते हैं कदाचार और अक्षमता के आधार पर भी राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं इन हटाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट जो हमारा उच्च न्यायालय है उच्चतम न्यायालय है सॉरी उच्चतम न्यायालय है उसके जांच के बाद ही ऐसा कर सकते हैं यदि उच्चतम न्यायालय को ऐसा लगता है कि इनको हटाया जाना चाहिए और वो राष्ट्रपति जी से सिफारिश करते हैं तो राष्ट्रपति जी इनको हटा देते हैं तो ये हमने क्या चर्चा करी इनके कार्यकाल सेवा सर्ते व पदावधि के बारे में अब हम आगे बढ़ते हैं वेतन भत्ते सेवा शर्तें इनके क्या वेतन भत्ते होंगे क्या इनकी सेवा शर्तें होंगे अगर इसके बारे में हम देखें तो केंद्र सरकार इनका निर्धारण करती है और जो भी इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें निर्धारित की गई हैं पद में नियुक्ति के समय उनमें फिर बाद में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता उन्हें कम नहीं किया जा सकता अलाभकारी परिवर्तन नहीं सेवा शर्तों की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान होगी इनकी सेवा शर्ती किसके समान होगी तो वो जो हमारे भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है तथा तो अन्य आयुक्त हैं उनके समान इनका क्या होता है सेवा शर्तें होती हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं शक्तियां और कार्य आयोग की क्या शक्तियां हैं और यह कौन से काम करता है क्या काम करता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं तो आयोग किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी एवं शिकायतों का निराकरण करेगा आयोग को अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी शिकायत मिलती है कि किसी प्रशासन में उनकी जवाबदेही तय नहीं है ऐसे उनके साथ व्यवहार किया गया है तो वो उसकी प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायत का निराकरण करे आयोग समुचित आधार पर किसी भी मामले में जांच करने का आदेश दे सकती है आयोग को अगर ये सुनिश्चित हुआ तो वो समुचित आधार उन आधारों को इकट्ठा करेगी और उसके तहत जांच करने का आदेश दे सकती है इसी प्रकार हम देखें सिविल न्यायालय की शक्ति साथियों सिविल न्यायालय की शक्ति हमने कई बार पढ़ी हमने जितने आयोग अभी लगभग पढ़े उनमें सब में सिविल न्यायालय की शक्ति ही आयोगों को प्राप्त है और सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होने से आशय तो कंठस्थ हो गया होगा अगर आपसे अभी कोई पूछ ले कि सिविल न्यायालय से क्या आशय है तो आप तुरंत बताएंगे कि ये भारत के किसी भी व्यक्ति को अगर उस मामले से संबंधित है तो उसे समन जारी कर सकता है पूछताछ के लिए बुला सकता है उसने जो शपथ ग्रहण करी है उसमें साक्ष्य पेश करने की भी अपेक्षा कर सकता है इन तमाम काम किसके तहत सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होने के तहत आयोग कर सकता है तो यहाँ भी इसको सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है शिकायत की जांच के दौरान आयोग उन सभी अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है जो सार्वजनिक प्राधिकारी के अधीन है जो किसी सरकारी प्राधिकारी के अधीन कागज़ हैं उनको अगर आयोग को लगता है तो उनके जांच के लिए अभिलेख मंगवा सकती है दस्तावेज मंगवा सकती है तथा उनका परीक्षण आयोग कर सकता है आयोग लोक प्राधिकारियों द्वारा अपने निर्णयों का आज्ञा पालन सुनिश्चित कर सकता है आयोग को अगर लगता है कि ऐसे काम लेना चाहिए लोक प्राधिकारियों से तो वो उनका आज्ञा अपनी मनवाने के लिए अपने काम कराने के लिए ऐसे निर्णय ले सकता है इस प्रकार अगर रिपोर्ट प्रतिवेदन की बात करें हम आगे कि वार्षिक रिपोर्ट ये किसको देता है क्योंकि कोई भी आयोग हो जब काम करता है तो उसकी वार्षिक रिपोर्ट है वो कहां जाती है तो केंद्र सरकार केंद्र सरकार को ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है और केंद्र सरकार क्या करती है उसे संसद के पटल पर रखवाती है संसद में रखवाने का काम किसका है केंद्र सरकार का है अब हम आगे बढ़ें तो देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग को हम यहाँ संक्षिप्त में समझ लेते हैं उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं तो हम स्वरूप की अगर बात करें तो हमने चर्चा करी ही कि ये एक प्रकार का सांविधिक निकाय है गठन की अगर बात करें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा सेक्शन 12 के तहत स्थापना इसकी कब हुई तो स्थापना 12 अक्टूबर अगर नोडल एजेंसी की बात करें तो कार्मिक प्रशासन मंत्रालय इसके नोडल एजेंसी है संरचना की अगर बात करें तो एक आयुक्त तथा अधिकतम 10 अन्य आयुक्त हो सकते हैं और वर्तमान में इनकी क्या संरचना है तो वर्तमान में इनकी छह लोग हैं कौन अनायुक्त आयुक्त नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करती है और हमने चर्चा करी ही कि समिति में कौन लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री जी द्वारा तय किया गया एक कैबिनेट मंत्री होता है कार्यकाल कार्यकाल तीन वर्ष या पैसठ वर्ष की आयु का होता है हमने ये भी चर्चा करी कि अगर कोई अन्य सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर पदस्थ होता है उसको बनाया जाता है तो वो दोनों कार्यकाल को मिलाकर केवल पांच वर्ष ही उसकी पदावधि होगी इस तरह सेवा शर्तें सेवा शर्तें केंद्र सरकार निर्धारित करती है प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की अगर हम बात करें तो बजाहत हबीबुल्लाह प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं वर्तमान सूचना आयुक्त की अगर बात करें तो एसवर्धन कुमार सिन्हा जी वर्तमान में क्या है मुख्य सूचना आयुक्त हैं केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं राज्य सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में हम आगे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में भी देखेंगे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन पंद्रह के तहत सेक्शन पंद्रह के तहत किसका गठन हुआ राज्य सूचना आयोग का स्वतंत्र सांविधिक निकाय है ये सांविधिक निकाय से आसे आप जानते हैं कि इसका एक्ट के तहत जो एक्ट 2005 में आया उसके तहत इसका गठन हुआ और ये एक प्रकार का स्वतंत्र निकाय है मतलब इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं है स्थापना स्थापना 22 अगस्त 2005 को हुई संरचना की अगर बात करें तो ये एक बहुसदस्यीय निकाय है कौन राज्य सूचना आयोग भी एक प्रकार का बहुसदस्यीय निकाय ही है अब इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त होंगे जिनकी संख्या दस से अधिक नहीं होगी अधिकतम दस हो सकती है इनकी नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति राज्यपाल जी करेंगे और राज्यपाल जी नियुक्ति कैसे करेंगे तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाएगी समिति में कौन कौन होंगे इनकी नियुक्ति के लिए जो समिति गठित होगी जैसे हमने केंद्रीय स्तर पर देखा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उसी प्रकार यहां हम देखेंगे कि राज्यपाल की अध्यक्षता में नियुक्ति तो होती है नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं लेकिन वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री क्या होता है नियुक्ति समिति के सदस्य होते हैं अब हम देखते हैं अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु कौन अध्यक्ष एवं सदस्य बन सकता है आयोग का तो हम देखते हैं सार्वजनिक जीवन का अनुभव विधि विज्ञान सामाजिक सेवा प्रबंधन पत्रकारिता जनसंचार या प्रशासन के क्षेत्र में जो अनुभव रखता हो जिनको पर्याप्त अनुभव हो वो क्या बन सकते हैं अध्यक्ष एवं सदस्य आयोग के किसके राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए जो इनमें जिनकी नियुक्ति होगी वो ना संसद का सदस्य ना ही राज्य विधान मंडल का सदस्य होना चाहिए राजनीतिक दल में कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो जो भी राजनीतिक दल हैं हमारे देश में उनमें वो किसी भी प्रकार का लाभ का पद धारण नहीं करता हो किसी पद पर नहीं हो व्यापार या उद्यम में शामिल ना हो वो व्यापार या उद्यम में शामिल नहीं होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को ही क्या अध्यक्ष एवं सदस्य बनाया जा सकता है अब हम देखें शपथ शपथ लेगा जैसे हमने वहां देखा कि केंद्रीय स्तर पर जो भी सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति होती है तो वो शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं अपने पद ग्रहण करने से पहले इसी प्रकार यहाँ शपथ की अगर बात करें तो राज्यपाल के समक्ष शपथ लेंगे या राज्यपाल जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा उसके समक्ष ये शपथ ग्रहण करेंगे शपथ ग्रहण करना आवश्यक होता है उसे मानने की बात जब करें तो व्यवहारिक रूप से ये बहुत कम देखने को मिलता है बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं कार्यकाल और सेवा शर्ती कार्यकाल क्या होगा किसका राज्य सूचना आयुक्त का देखें तो इनके कार्यकाल क्या होंगे तो केंद्र सरकार इनके कार्यकाल को तय करती है तीन वर्ष या पैसठ वर्ष की आयु होता है इनका कार्यकाल सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के तहत ही इनका यह भी कार्यकाल भी तय किया गया है अब हम आगे बढ़े तो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे जैसे हमने केंद्रीय स्तर पर पढ़ा उसी प्रकार यहां भी वही बात कही गई है कि यह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे अन्य सूचना आयुक्त को राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त में नियुक्ति होने पर जैसे हमने वहां देखा सेम बात उसी प्रकार की बात यहां कही गई है कि अगर क्या है अन्य सूचना आयुक्त को राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त तो के रूप में नियुक्त किया जाता है तो इन दोनों का कार्यकाल कितना होगा तो वो कार्यकाल पांच वर्ष का होगा पांच वर्ष का होना चाहिए राज्य के द्वारा हटाने की सॉरी राज्यपाल राज्यपाल के द्वारा हटाने की परिस्थितियां अगर वो अध्यक्ष जो चाहे मुख्य सूचना आयुक्त तो हो या अन्य सूचना आयुक्त तो हो अगर वो दिवालिया हो गया हो नैतिक चरित्रहीनता हो नैतिक रूप से भ्रष्ट हो गया हो राज्यपाल की नजर में लाभ का पद धारण कर लिया हो जहाँ वो नियुक्त है अगर इससे इतर कहीं बाहर या किसी सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण कर लिया हो तो उसे हटाया जा सकता है शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो काम करने के लिए जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है जिस पद के लिए नियुक्त किया गया है उसमें काम करने के अगर योग्य नहीं है तो भी इनको हटाया जा सकता है राज्यपाल सिद्ध कदाचार्य क्षमता के आधार पर ही हटा भी हटा सकते हैं और इन सब हटाने की प्रक्रिया में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है जो उच्चतम न्यायालय है उसके जांच के बाद ही जब उच्चतम न्यायालय को लगेगा कि हाँ इनको हटाया जाना चाहिए तो वो सिफारिश करेगी तो राज्यपाल इनको हटा सकते है अब हम आगे बढ़ते हैं वेतन भत्तों की अगर बात करें कि इनके वेतन भत्ते तो केंद्र सरकार तय करती है इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा और सेवा शर्तों की बात करें तो अन्य निर्वाचन आयुक्त तथा राज्य के, के समान इनका क्या होगा वेतन और भत्ते होंगे अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शक्तियां और कार्य इनकी क्या शक्तियां हैं और इनके कार्य क्या है आयोग किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी एवं शिकायत का निराकरण करे आयोग समुचित आधार था पर किसी भी मामले में जांच करने का आदेश दे सकता है इन सब के बारे में हमने डिटेल में चर्चा कहाँ कर ली है केंद्रीय जब हमने सूचना आयोग पढ़ा है वहाँ हमने चर्चा करी है आयोग समुचित आधार पर किसी भी मामले में जांच करने का आदेश दे सकता है सिविल न्यायालय की शक्ति इसके पास भी है शिकायतों की जाँच के दौरान आयोग उन सभी अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है जो सार्वजनिक प्राधिकारी के अधीन है आयोग लोक प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णयों का आज्ञा पालन सुनिश्चित कर सकता है ऐसी बात कही गई है अब हम देखें अगर रिपोर्ट तो ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको राज्य सरकार को देता है और संबंधित राज्य सरकार संबंधित विधानमंडल में रखवाने का काम करती है अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं तो सूचना ना देने पर अगर सूचना मांगी गई किसी व्यक्ति के द्वारा और समय में सूचना ना दी गई लेट होने पर ढाई सौ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज लगेगा सत्रह में स्वीडन जो देश है वो नागरिकों को सूचना देने की स्वतंत्रता पहली बार इसी देश में स्वीडन में ही दी गई अगर हम प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो दीपक संधु जी प्रथम महिला अध्यक्ष रही कहा केंद्रीय सूचना आयोग में और इनका कार्यकाल 2013 के आसपास का रहा है अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग अब हम यहां मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको साठ में यहां एक बार देख लेते हैं तो स्वरूप कैसा है इसका तो स्वरूप सांविधिक है गठन की अगर बात करें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 15 के तहत इसका गठन किया गया स्थापना 22 अगस्त 2005 को और संरचना एक मुख्य आयुक्त तथा तो अधिकतम 10 अन्य आयुक्त हो सकते हैं मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्तों का कार्यकाल की अगर बात करें तो तीन वर्ष या पैसठ वर्ष इनका कार्यकाल होता है और हमने चर्चा करी कि अगर कोई अन्य आयुक्त को मुख्य आयुक्त बनाया जाता है तो इन दोनों के कार्यकाल में इन दोनों के कार्यकाल में क्या होगा इनका कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए सेवा शर्तों की बात करें तो केंद्र सरकार तय करती है अगर रिपोर्ट की बात करें ये वार्षिक रिपोर्ट अपना राज्य सरकार को देते हैं और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में अगर देखें तो टी एन श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त रहे और इनका कार्यकाल 2005 के आसपास का रहा है इसी प्रकार वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला जी और ये 2019 से लगातार अभी भी, भी पद पर है मुख्यालय देखें तो मुख्यालय भोपाल में और अगर नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति हमने देखा कि इनके चाहे जो मुख्य सूचना आयुक्त हो चाहे अन्य सूचना आयुक्त हो इनकी नियुक्ति का काम राज्यपाल करते हैं और वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर ऐसा करते हैं तो साथियों इसमें कौन कौन रहता है उसके बारे में हमने वहां चर्चा करी कि मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष होंगे विधानसभा में विपक्ष का नेता सदस्य सदस्य और साथ में इनके द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री भी के के रूप में होगा चयन समिति तो हमने यहां क्या देखा अभी हमने केंद्रीय सूचना आयोग और साथ में राज्य सूचना आयोग और मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में इंपॉर्टेंट और सभी डायमेंशन के बारे में चर्चा करी हमने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं छोड़ा जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है हमने सबको कवर किया है आइए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ क्या चर्चा करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में अब हम यहाँ अगला आयोग जो क्या है केंद्रीय सतर्कता आयोग उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं तो आइए देखते हैं इसके गठन की अगर बात करें गठन केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1964 में भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु गठित सं... समिति संथानम समिति अब हम समझे कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का गठन क्यों किया गया इसका उद्देश्य क्या था तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्र सरकार की ये एक प्रकार की संस्था है सी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उसी प्रकार इसके गठन को हमने देखा कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष उन्नीस सौ चौसठ में भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु गठित संथानम समिति के सिफारिश पर यह एक प्रस्ताव द्वारा गठित किया हुआ निकाय था था मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे चल के हम इसके बारे में देखेंगे कि इसको सांवैधिक निकाय कब बनाया गया फिर हुआ क्या कि 2003 में संसद द्वारा पारित कानून के तहत इसे वैधानिक दर्जा दे दिया गया किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग को केंद्रीय सतर्कता आयोग को अगर आपके एग्जाम में पूछे कि इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया तो आप बताएंगे कि 2003 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया संसद में एक कानून पारित करने के बाद मुख्यालय की अगर बात करें तो नई दिल्ली में और हमने देखा कि जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये क्या है भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्र सरकार की एक प्रकार की संस्था है अब हम आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं समिति अगर इनमें कौन कौन लोग होते हैं उनकी क्या समिति होती है उसके बारे में चर्चा करें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो होगा एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो होगा और वो कौन होता है अध्यक्ष दो या दो से अन्य अन्य सतर्कता आयुक्त मतलब दो होंगे या दो से कम अन्य सतर्कता आयुक्त होंगे जो सदस्य के रूप में काम करेंगे आयोग में कैसे पद पर काम करेंगे सदस्य के रूप में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा जो अध्यक्ष के रूप में काम करेगा अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा नियुक्ति करने का काम कौन करता है तो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति का काम करते हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली ये ऐसे नियुक्ति नहीं करते हैं ये कोई मनमानी ढंग से नियुक्ति नहीं करते हैं ये क्या होता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक तीन सदस्यीय चयन समिति के सिफारिश पर किया जाता है अब हम आगे देखेंगे कि इस चयन समिति में कौन कौन लोग होते हैं तो हमने बात करी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में क्या होता है एक चयन समिति गठित होती है जिसमें एक चाहे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष हो चाहे अन्य सतर्कता आयुक्त तो हो जिनको सदस्य के रूप में आयोग में काम करने का अवसर दिया जाना है तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे और राष्ट्रपति जी नियुक्ति कैसे करेंगे तो वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो एक गठित तीन सदस्यीय समिति है उसके द्वारा करते हैं आइए हम यहाँ समिति में कौन कौन लोग होते हैं चयन समिति में कौन कौन लोग होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं साथियों में उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी चयन समिति चयन समिति में पीएम प्रधानमंत्री दी अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में में विपक्ष का नेता और केंद्रीय मंत्री जी शामिल होते हैं चयन समिति अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष कौन होगा सतर्कता आयुक्त तो कौन होगा इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं किनकी आवश्यकता महसूस होती है तो सतर्कता आयुक्त अखिल भारतीय सेवाओं या संघ के अधीन किसी भी अन्य सेवा के ऐसे कार्यरत सेवानिवृत्त व्यक्ति हो जिन्हें सतर्कता नीति निर्माण तथा प्रशासन का ज्ञान एवं अनुभव हो ऐसे व्यक्ति को ही अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है उन्हें इस पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है अब सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है वर्तमान की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया है कि केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य ही मुख्य सतर्कता आयुक्त बन सकते हैं ऐसा अभी हाल ही में हमारा जो उच्चतम न्यायालय है जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसने ऐसी बात करी है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है आइए अब हम आगे देखें पदावधि एवं सेवा शर्तों की अगर बात करें किसके सतर्कता आयुक्त के साथियों सतर्कता आयुक्त के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ सतर्कता आयुक्त के बारे में ही देखेंगे कार्यकाल इनका कार्यकाल क्या होता है चार वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु का इनका कार्यकाल होता है किनका सतर्कता आयुक्त का चाहे अन्य सदस्य के रूप में हो चाहे अध्यक्ष के रूप में सेवा निवृत्ति के पश्चात केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन ये नियोजन के पात्र नहीं होंगे किसी भी प्रकार का ये अगर अपने पद से सेवानिवृत्त होते हैं तो चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो ये किसी भी सरकार में लाभ का पद धारण करने के योग्य नहीं होंगे उसकी पात्रता ये नहीं रखेंगे वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तों की अगर बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान ही इनका क्या होगा वेतन भत्ते होंगे लेकिन संघ लोक सेवा आयोग का आप जानते हैं कि वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण का कौन करता है तो वो संसद हमारा करती है इस चीज का आप ध्यान रख के आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब भी नियुक्ति हुई है चाहे अध्यक्ष की बात करें चाहे सदस्य की बात करें उस समय जो इनके लाभ तय किया गया था जो वेतन भत्ते थे या अन्य कोई भी जो इनको सेवाएं दी जानी थी उसमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पद त्याग अगर हम देखें कि ये पद त्याग कैसे करेंगे क्या उसकी प्रक्रिया है तो राष्ट्रपति जी इनको हटा सकते कार्यकाल के दरमियान भी अपना त्याग पत्र दे सकते हैं लेकिन अगर इनके कार्यकाल के बीच में ही लगा राष्ट्रपति जी को कि इनको हटाना है तो कौन हटा सकता है राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं हटाने की परिस्थितियां क्या होंगी उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं तो हम यहां देखेंगे कि दिवालिया हो जाना नैतिक भ्रष्ट हो जाना राष्ट्रपति की नजर में चाहे आप दिवालिया हो जाओ चाहे नैतिक रूप से भ्रष्ट हो जाए राष्ट्रपति जी के नजर में लाभकारी अगर अगर पद पद पर बने रहते हुए अगर बाहर लाभ का धारण कर लिया तो भी राष्ट्रपति जी इनको अध्यक्ष को चाहे सदस्य को हटा सकते हैं शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो जाना जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है अगर उस काम करने के योग्य नहीं हो आप योग्यता नहीं रखते हो तो भी हटाया जा सकता है दुराचरण व क्षमता के आधार पर हटाने के लिए इन सब हटाने की प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही ऐसा होगा जब सर्वोच्च न्यायालय को लगेगा कि हाँ इनको हटाया जाना चाहिए तो राष्ट्रपति जी से सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति जी उनको हटा सकते हैं संगठन किस संगठन कैसे इनका संगठन है ये कैसे काम करता है सतर्कता आयुक्त तो इसका एक सचिवालय है मुख्य तकनीकी परीक्षण शाखा है और विभागीय जांच के लिए एक आयुक्त है सी जिसको कहते हैं इन संगठन के तहत इन तीन ब्रांचेस के तहत संगठन काम करता है केंद्रीय सतर्कता आयोग काम करता है अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कार्य एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य हैं और इनको कितनी शक्तियां दी गई हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं तो आयोग ऐसी सभी शिकायतों के संबंध में जांच करता है जिनमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का आरोप हो ये सबसे बड़ी बात आप याद रखें कि आयोग ऐसे सभी शिकायतों के संबंध में जांच करेगा जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी पर केंद्र सरकार के अंतर्गत चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई कर्मचारी हो अगर इनके भ्रष्टाचार की इनके ऊपर आरोप लगते हैं तो उसको जांच करने का काम कौन करता है तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करता है केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है इस चीज को आप ध्यान रखें सूचना प्रकटीकरण तथा विंसर ग्लोव संरक्षण के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना तथा उचित कार्रवाई हो अगर आपने भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया है या किसी प्रकार की सूचना प्रकटीकरण की है तो भी उसकी शिकायतों की जांच करने का काम आयोग कर सकता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एट अंतर्गत मुकदमा चलाने तो संबंधित प्राधिकारी को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की भी समीक्षा कौन कर सकता है तो केंद्रीय सतर्कता आयोग कर सकता है, राजपत्रित अधिकारी साथियों राजपत्रित अधिकारी से आशय यहाँ गजटेड ऑफिसर से है और राजपत्रित अधिकारी कौन होते हैं अगर आप नहीं जानते हो तो बताएं कि राजपत्रित अधिकारी वो होते हैं जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग जिनके बदलाव के बारे में आयोग के जो सरकारी पत्र होता है राजपत्र उसमें छापा जाता है इसका जब प्रचलन हुआ राज्य पत्र का ये पहले एक मंत्रालय में जैसे बदलाव हुए अधिकारियों में उनको एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में सूचना के लिए कि, कि किस अधिकारी का ट्रांसफर किस अधिकारी का बदलाव किस जगह हुआ है उसको देने के लिए मंत्रालय द्वारा निकाला गया राजपत्र होता था जो एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में जानकारी के तौर पर भेजा जाता था तो राजपत्रित अधिकारी से आशय यह है कि गजेटेड ऑफिसर जो होंगे तथा उनके समांतर कर्मियों के लिए तथा उन्हीं के समान जो और कर्मचारी हैं उनमें भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की अगर उनमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उन मामलों की जाँच करने का काम भी कौन कर सकता है तो केंद्रीय सतर्कता आयोग कर सकता है इस प्रकार केंद्र सरकार के मंत्रालय व प्राधिकारियों के सतर्कता प्रशासन पर भी नजर रखना चाहे केंद्र सरकार के मंत्रालय हो या उनके प्राधिकरण हो उन सब में भ्रष्टाचार ना हो भ्रष्टाचार के मामले में नजर रखने का काम कौन करता है तो केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है रिपोर्ट प्रतिवेदन के बारे में देखें तो ये रिपोर्ट और प्रतिवेदन अपना वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति जी क्या करते हैं संसद के प्रत्येक सदन में उस रिपोर्ट को रखवाते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आयोग का कार्य केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य क्षेत्र कहां तक है तो अखिल भारतीय सेवाओं के वे सदस्य जो केंद्र सरकार के मामलों से संबंधित हैं तथा तो केंद्र सरकार के ग्रुप अधिकारी होंगे इनको जांच करने का अधिकार है किसको? केंद्रीय सतर्कता आयोग को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल पांच के ऊपर के अधिकारी आरबीआई नावार सिडवी के ग्रेड डी चतुर्थ वर्ग के आए, उनके ऊपर और उनके ऊपर के अधिकारियों के बारे में भी जांच करने का आयोग को अधिकार है आयोग को शक्ति है साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधन एवं उनसे ऊपर स्तर के अधिकारी इन तमाम ऐसे राज्यपत्रित जो अधिकारी हैं चाहे इन संस्थानों में जिनकी हमने बात करी चाहे हमने आर बी आई से सिड इन सब के चाहे बैंकों की अगर बात करें तो स्केल फाइव के ऊपर के अधिकारी चाहे हम केंद्र सरकार के अंतर देखें ग्रुप ए के अधिकारी इन सब में भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जाँच के लिए आयोग कदम उठा सकता है उसका कार्य क्षेत्र यहाँ तक है अब हम देखें कार्यप्रणाली आयोग कार्य कैसे करता है इसकी कार्य प्रणाली क्या है तो सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है इसके तहत ये काम कर सकता है सिविल न्यायालय की शक्ति हमने चर्चा कर ली है कि किन किन मामलों में सिविल न्यायालय क्या क्या काम कर सकता है किसी भी प्रकार की जांच रिपोर्ट या जानकारी केंद्र सरकार या अधिकारी से मांग सकता है केंद्र सरकार के कोई भी अधिकारी से अगर उसको लगेगा कि इस जानकारी की हमको अपेक्षा है तो वो उनको मंगवा सकता है आयोग की सलाह माने जाने पर असहमति के कारणों को भी लिखित में क्या कर सकता है बता सकता है वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति जी को दे सक देता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं प्रवर्तन निदेशालय की नियुक्ति का आयोग में परामर्श अनिवार्य है जब कभी इनमें नियुक्ति होगी उसके लिए आयोग से परामर्श करना अनिवार्य होगा भ्रष्टाचार वाले मामले में सीबीआई की निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व तो भी कौन निभाता है इनका दायित्व तो है क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग का ऐसा इसकी कार्यप्रणाली है ऐसे हमारे केंद्रीय सतर्कता आयोग की कार्यप्रणाली है इसके अंतर्गत वो काम करता है अब हम अगर यहां चर्चा करें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग तो इस स्लाइड में संक्षिप्त में आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में चर्चा की गई है तो आइए हम देखते हैं इसका स्वरूप सांविधिक स्वरूप है गठन की अगर बात करें तो संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्ताव ला करके इसका गठन किया गया स्थापना 11 फरवरी उन्नीस में और 2003 में हमने देखा कि क्या हुआ इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया नोडल एजेंसी कार्मिक प्रशासन मंत्रालय इसके नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है संरचना एक मुखायुक्त तथा तो दो या दो से कम अन्य आयुक्त हो सकते हैं इसी प्रकार हमने नियुक्ति की बात करी कि राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाएगा और राष्ट्रपति जी द्वारा जब नियुक्त किया जाएगा तो वो एक समिति के तहत किया जाएगा और उस समिति की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं कार्यकाल के बारे में बात करें तो चार वर्ष या पैसठ वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होगा और हमने ये भी बात करी कि अगर किसी अन्य आयुक्त को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो दोनों कार्यकाल को मिला करके पांच वर्ष से अधिक का इनका कार्यकाल नहीं होना चाहिए रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट ये अपना राष्ट्रपति जी को देंगे अगर हम प्रथम सतर्कता आयुक्त की बात करें केंद्रीय प्रथम सतर्कता आयुक्त की बात करें तो निदुर श्रीनिवासन राव जी इसके कौन प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त रहे हैं और इनके कार्यकाल की अगर बात करें तो चौसठ से अड़सठ के समयावधि में इनका कार्यकाल रहा वर्तमान सतर्कता आयुक्त कौन है तो सुरेश एन पटेल सतर्कता आयुक्त हैं, जो 2021 जून में इनकी नियुक्ति की गई है मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग के गठन की अगर बात कर ले तो एक मार्च उन्नीस को इसका भी गठन हुआ और इसमें मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा उप सतर्कता आयुक्त होते हैं इसी तरह जिले स्तर में भी सतर्कता आयोग के गठन प्रावधान है तो साथियों हमने यहाँ चर्चा करी पहले हमने केंद्रीय सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग मध्य प्रदेश के भी हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करी फिर हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा साथ में राज्य सतर्कता आयोग के बारे में भी चर्चा हमने कर ली तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जिसमें हमने लगभग दो आयोगों को विस्तार से पढ़ा उसको कवर किया क्रैश कोर्स के हिसाब से इसलिए हमको ये उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से चीज़ें बेहतर समझ आई होंगी अब हम नेक्स्ट क्लास में अगले क्लास में हम इन्हीं आयोगों के एम के बारे में चर्चा करेंगे आप वहाँ देखेंगे कि इन आयोगों को लेकर के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्लास में और हम वहां एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे तब तक आप हमसे जुड़े रहें कंपटीशन कम्युनिटी टीम के साथ जुड़े रहें और आप अपनी तैयारी को बढ़िया अच्छा बेहतर बनाते रहें आपका तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली क्लास पर